आज की क्लास में हम गोयल जी के साथ एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम आपके साथ बात करेंगे डीप लुकअप के बारे में। डी लुकअप एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आईडी वन है, क्लिक किया तो यहाँ पूजा आ गया, टू किया तो यहाँ पे आपका मोहन आ गया। तो कैसे आता है, किस तरह से आएगा, तो इसी के लिए हम बात करेंगे डी लुकअप के बारे में। तो हमारे पास एक डेटा है, डेटा में आईडी है, नेम है, सिटी है, अमाउंट है। अब मैं एक फोन बनाना चाह एक फॉर्म बनाना चाहता हूं, और फॉर्म पे हम चाहते हैं कि जो हम लिखें, मतलब कि जैसे डी लुकअप में कैसे हम टाइप करते हैं और डेटा मारते हैं, हमारा प्रॉपर्टी आ जाता है, उसी तरीके से मैं यहां चाहता हूं। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहां पे लिया जिसमें मैं आईडी डालूंगा, ठीक है। यस, यहां पे हम लिख देते हैं एंटर आईडी, और हम चाहते हैं कि यहां पे हम आईडी डालें, और यहां नीचे जो है, नीचे हमारा लेबल में ही चाहते हैं नेम, तो यहां पे हम रिटर्न आते हैं, नेम इसे यूज नहीं होगा, ये लेवल यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेवल के ऊपर हम फंक्शन नहीं अप्लाई कर सकते, हमें इसके लिए लेना होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहां लिया जो कि यहां पे नेम शो करेगा, यहां पे हमने कर दिया नेम, राइट। फिर इसी को कॉपी करते हैं यहां पे, या फिर दोबारा से ड्रैग कर देते हैं, कॉपी नहीं होता है, अच्छा कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करने से कॉपी हो जाता है। यहां पे इसको रखते हैं, और यहां से हम खाते हैं, और यहां पे सिटी कर देते हैं, और यहां पे हम सिटी, और इसी में हम यहां पे ऑल्ट के साथ डायरेक्ट किया, कॉपी हो गया, कॉपी क्यों होना होता है, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करने पे कॉपी पेस्ट होता है, हाँ होता है, होता है, होता है। सिटी की जगह पे यहाँ पे हम अमाउंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब डी लुकअप का फॉर्मूला कैसे रहेगा, तो सबसे पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आईडी जो यहाँ पे अननोन दिख रहा है ना, इस अननोन को यहाँ नेम टेक्स्ट जीरो के जगह पे हम दे देते हैं एफ आईडी, मतलब कि फॉर्म की आईडी, और यहाँ डेटा में हमारा एक आईडी अलग, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्म पे आते हैं, और यहाँ जो सिटी दिख रहा है आपको, जो नेम है, इसमें जाते हैं, और यहाँ कंट्रोल सोर्स दिख रहा है ऑल में, कंट्रोल सोर्स में हम यहाँ पे डी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, डी लुकअप का फॉर्मूला इक्वल डी लुकअप, जूम करो सर, जूम कर दो, हाँ मैं कर देता हूँ जूम। तो डी लुकअप में चाहिए एक्सप्रेशन, डोमेन एंड क्राइटेरिया, क्या चाहिए, एक्सप्रेशन, डोमेन एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एक्सप्रेशन है मतलब कि माने आप डेटा किस कॉलम का लाना चाहते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया सी नेम, हमने क्या लिखा सी नेम, क्या इन्वर्टेड कॉमा लिख के लिखिएगा, ठीक है, राइट है, बराबर है। और फिर यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, और यहाँ देते हैं किसमें चाहिए, तो हमें डेटा टेबल नेम, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में हमें देना है। अब आता है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमने बोला कि आईडी इक्वल टू, इसके साथ कॉन्कैटेनेट करके हमने यहां लिख दिया एफ आई, ठीक है सर, पीछे से आवाज आ रही है, बोला एफ आई, ओके 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 करते हैं, ओके सर। इसमें कुछ मिसिंग है सर, हाँ इसमें ब्रैकेट हमने नहीं दिया, ब्रैकेट मिसिंग, इंटरफेस किया, एक्सेप्ट, ठीक है, एक बार दिखा देता हूं, हम जूम में आते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को लेते हैं और हम सिटी में जाते हैं,
सिटी में यहाँ कंट्रोल सोर्स के जूम में आते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सी नेम के जगह पे हम कर देते हैं कि हमें चाहिए सिटी, ताकि सब कुछ सेम है। फिर वापस इसमें आते हैं कंट्रोल सोर्स में, जूम, यहाँ पे जूम पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ सिटी के जगह पे लिखते हैं अमाउंट, ठीक है, फॉर्म को यहाँ क्लोज करते हैं, फॉर्म टू या डीटी के नाम से हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ इसको डीटी को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एरर दिख रहा है। अब जैसे मैंने वन डाला, देखिए पूजा उन्हें इरजा गया, टू डाला, थ्री डाला, आ गया, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ एरर आ रहा है, एरर के जगह पे मैं चाहता हूँ ये जो एक चीज है कि मैं इसको डिलीट ना कर सकूं, यहाँ पे जो कर्सर जा रहा है कर्सर ना जा सके, तो कर्सर ना जा सके इसके लिए हमने क्या किया, एक एक को सिलेक्ट किया और इसी में हमारा इवेंट आता है, इवेंट डेटा अनेबल, डेटा में अनेबल के जगह पे नो एस के जगह पे नो कर देते हैं, इसे और सामने वाला पर्सन इस पे किसी तरह का एंट्री ना कर सकेगा, ठीक है। पहला अब इसमें एक चीज और आता है कि मैं जो एरर आ रहा था, एरर को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक इफ एरर का फॉर्मूला होता है, होता ना इफ एरर का फॉर्मूला, लंबा हो जाएगा, समझ गए ना, दीदी फिलहाल दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं, यहाँ पे वन किया आ गया, टू किया, थ्री किया, तो जो भी नाम डालेंगे वो चीजें आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक फॉर्म पे कई सारे जगहों से डेटा लेना, कई सारे शीट से डेटा लेना है, राइट, ओके ओके राइट, कई सारे टेबल से डेटा लेना है, तो वहां पे आप डी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और सर एक दूसरा चीज, अपना समझो तो लुकअप से अपन लाया, उसको एंट्री कराना रहेगा, तो वही एंट्री डेटाबेस में एंट्री कैसे होएगा? नहीं, एंट्री के लिए फिर आप, एंट्री के लिए फिर आपको जो है क्यूरी करना पड़ेगा, इंसर्ट क्यूरी जो है सिक्वल क्यूरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, तो आगे क्लासेस में आपको सिखाएंगे। अच्छा अच्छा, अगर क्वेरी के बाद में वो जो करेगा तभी इसमें एंट्री होएगा। जी जी जी, ओके, ठीक है, खाली इधर लुकअप, खाली लुकअप के हिसाब से जी, हाँ, सिर्फ लुकअप, ओके ओके।